ओम शांति। आज आपका 132वें दिन का ईश्वरीय वरदान। और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें एक तरीका सिखाते हैं जिसके द्वारा हम परमात्मा से सदा जुड़े रहें, उनके द्वारा दिए हुए जितने भी डायरेक्शंस हैं, गाइडेंस हैं, उनको फॉलो करें और अपने अंदर की कमजोरियों को हटाएं। तो देखें आज बाबा इस कौन सी एक विधि, कौन से एक तरीक़े को बताते हैं, एक दृष्टांत देते हैं हमें, जिसके द्वारा हम अपने आप को बहुत सारी मुश्किलों से छुड़वाएं। तो आज बाबा कहते हैं इस वरदान में, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर। सेकंड में होना तो 1 सेकंड में चाहिए, लेकिन परमात्मा भी जानते हैं और हम बच्चे भी जानते हैं कि 1 सेकंड में सोचा तो है, लेकिन उसको निकालने में, कमजोरी को निकालने में काफी समय भी लगता है। तो चाहते तो हैं 1 सेकंड में, लेकिन उस चीज को पहचानना कि मेरे अंदर कमजोरी है और फिर उसको निकालना दूसरा प्रोसेस है, दूसरा तरीका है। तो कई लोगों को तो पहचान तो होती नहीं है, तो परमात्मा हमें कहते हैं कि पहले पहचानो, उसके बाद में उस कमजोरी को निकालो। तो निकालने का तरीका क्या है? सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भवा। कौन सी मर्यादाएं हैं जो परमात्मा बताई हैं? उन मर्यादाओं की लकीर पर अगर हम चलें सुबह से लेकर शाम तक और रात को सोने से पहले, वो सब कुछ अगर हम करें तो हमारे अंदर की कमजोरियां आस्ते आस्ते निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं जैसे स्नेही जो किसी से स्नेह करता है, स्नेह में आकर अपना सब कुछ निछावर व अर्पण कर देता है। तो कोई अगर स्नेही होता है किसी का, कोई किसी से प्यार करता है, तो वो व्यक्ति अपना सब कुछ निछावर कर देता है, मेरा भी सब कुछ तेरा बोलता है। तो परमात्मा कहते हैं उसी तरीके से स्नेही को कुछ भी अर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, तन मन धन सब कुछ दे देते हैं, तो सोचते नहीं हैं आप उस समय। बोलते हैं ना, लव इज ब्लाइंड बोलते हैं, परमात्मा उसी तरीके से कहते हैं। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो, तो परमात्मा हमें सुबह से लेकर अमृत वेला से लेकर के रात को सोने तक, डायरी लिखने तक, सब कुछ जो भी सोचना, बोलना, करना, देखना, उठना, बैठना, खाना पीना, सब कुछ जो बताया हुआ है, जिससे कि हमें ही सुख शांति मिलती है। परमात्मा को तो कुछ उससे मिलता नहीं है, ना तो कोई उनको सर्टिफिकेट देता है, ना ही कोई उनको कोई सैलरी देता है, ना ही कोई पैसे देता है, ना कोई धन दौलत देता है, ना कोई फीस देता है उनको। तो परमात्मा कहते हैं करते तुम अपने लिए ही हो ये सब कुछ। तो बाबा कहते हैं तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो, उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से भी मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। तो वो जो कमजोरियां हमारे अंदर है, जिसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, कभी कभी थक जाते हैं, कभी कभी हम आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, तो लाइफ भी एक ग्राफ के जैसा है, ऊपर नीचे जाता रहता है, करने की सहज युक्ति है। बाबा कहते हैं सदा एक बाप के स्नेही बनो। अगर हम औरों के स्नेही बनेंगे, औरों के साथ में बहुत अटैचमेंट रखेंगे, इंसान हो, व्यक्ति हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, घर बार हो, धन दौलत हो, उनके साथ में अगर हमारा स्नेह या उनके साथ हमारा अट्रैक्शन रहेगा, तो ये जो परमात्मा कह रहे हैं, जो तरीके हैं जिससे हमें ही सुख और शांति और प्रेम आनंद मिलता है, वो भी अखूट मिलता है। तो परमात्मा कहते हैं वो अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो किसके स्नेही बनो, बाकी चीज़ों के नहीं, सदा एक बाप के स्नेही बनो, जिसके स्नेही हो। अब जिसके स्नेही होते हैं, निरंतर उसके संग में रहो, तो रूहानियत का रंग, परमात्मा तो रूह है, परमात्मा कोई जिस्म नहीं है, परमात्मा का अपना जिस्म भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं अगर मैं रूह हूँ और तुम मेरे संग में अपने आप को रूह समझ करके रहोगे, तो तुम्हारे अंदर रूहानियत आएगी, स्पिरिचुअलिटी आएगी तुम्हारे अंदर। अगर तुम जिस्म की बातें, जिस्म के संबंधों को याद करोगे, तो तुम्हारे अंदर जिस्मानियत आएगी, और जिस्मानियत में बदबू आती है, परमात्मा कहते हैं रूहानियत में खुशबू आती है। तो रूहे गुलाब बनना है हमें। पापा कहते हैं निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। 1 सेकंड में बाबा ने बोला है, बनने को तो 1 सेकंड लगता है, माने तो 1 सेकंड, ना माने तो कई सदियां लग जाएंगी अपने आप को परिवर्तन करने में। तो बाबा कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसको पता है वो आप उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी आपको सहयोग देते हैं किसी भी चीज़ का। आपने तन मन धन अगर अपना निछावर करें उनके ऊपर, तो उस तरफ से भी आता है वापस रिटर्न। एटलीस्ट परमात्मा के केस में तो आता है, और इंसानों के केस में आए ना आए। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम ये करो कि मैंने जो तुम्हें बताया है सुबह से लेकर शाम तक, तुम्हारे ही भले के लिए बताया है दिनचर्या, उसको फॉलो करो, तो तुम्हें मुझ
से सब कुछ प्राप्त होगा, सुख शांति प्रेम आनंद सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे मेरा सच्चा स्नेही बनना पड़ेगा। कभी इंसान के स्नेही, कभी चीज़ों के स्नेही, फिर परमात्मा के स्नेही, फिर धक्का खाए फिर आए परमात्मा के पास, वैसा स्नेही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सच्चा सच्चा स्नेही सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम पुरुष, आत्मा ही उत्तम है और आत्मा ही पुरुष है, ये प्रकृति स्त्री है, देखने में तो नहीं लेकिन तात्पर्य वही है कि आत्मा इस शरीर का मालिक है। तो परमात्मा कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भवा। तो आज का ये वरदान, ईश्वरीय वरदान, इसमें बहुत गहराइयाँ हैं, लेकिन परमात्मा से स्नेह, परमात्मा से प्यार कैसे करें। मानते तो हर कोई है, इंसान तो हर कोई मानता है कि भविष्य में जाकर के मेरा ये फलाना ये संबंध होगा, वो संबंध होगा, मेरी शादी होगी, मेरा कोई हस्बैंड होगा या मेरी कोई वाइफ होगी, सब मानते हैं लेकिन जानते हैं क्या उनको नहीं। तो उसी तरीके से परमात्मा को, भगवान को मानना एक चीज़ है, लेकिन उनको जानना, वो हैं कौन, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, उसके बाद ही हमारा उनके साथ में संबंध या कनेक्शन जुड़ता है। नहीं तो केवल हम क्या होते हैं, सपनों में खोए रहते हैं कि भगवान है या भगवान कोई चीज़ है, भगवान कहीं रहता है, भगवान कहीं ना कहीं है ज़रूर। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आप उनको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तब तक आप उनसे स्नेह का संबंध भी नहीं जोड़ सकते। वो जोड़ना कैसे है, उसके लिए उनका सब ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म कुमारी इसमें हम पाते हैं, और आप भी आकर के वहाँ पर सीखें और फल पाएं भक्ति का अपने। तो आज का ये वरदान, आपका ईश्वरीय वरदान, आपका दिन अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, स्टे प्रोटेक्टेड, ओम शांति।